खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। लगातार जनतंत्र टीवी मुहिम चला रहा है ताकि छोटे कारोबारी और दुकानदार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं जो आप और हम मिलकर उठाएं और इन कारोबारियों की मदद हो सके, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। ऐसे में आप भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बहुत सारा सामान खरीदेंगे। ऐसे में हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अपने आस पास जो भी दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनसे ज़रूर सामान खरीदें ताकि उनकी मदद हो सके, क्योंकि इस कोरोना काल में एक दोहरी मार उन पर पड़ी है। ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आप आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन आसपास के दुकानदारों से अगर आप सामान खरीदते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी मदद हो सकती है आपकी और हमारी तरफ से। एक पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना काल में छोटे कारोबारी इस नुकसान से अपने आप को उबार सकते हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आ रही हूँ। सरकार के जो कदम है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सरकार की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि छोटे कारोबारी भी इस ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े, इस पर तो मैं आपकी राय चाहूँगी। साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हाल ही में एक तोहफा जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया है जिसमें उन्हें बोनस दिया जाएगा, तो आप क्या चाहेंगे ऐसे लोगों से अपील करना कि वो इस फेस्टिव सीजन में इस पैसे को कैसे खर्च करें और कैसे इससे डिमांड जो बढ़ेगी उससे कारोबारियों को फायदा हो सकता है? रुमिता जी, ये शुरू में ही मैंने ये बात कही थी जी कि छोटे दुकानदार, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति, उसको काम देने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह हो ताकि एक आम कंज्यूमर में, इस देश के निवासी के अंदर एक लिक्विडिटी आए, एक कैश सरप्लस आए जिसको वो खर्च करेगा तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। तो इसी बात पे सबसे पहले मैंने ये कहा था कि भाई आम दुकानदार को ऑनलाइन अगर बिजनेस करना है तो उसको कोई चीज़ ट्रेनिंग की दी जाए, और वही बात बाद में मनीष जी और सौरभ जी ने भी बोली, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, एमएलसीज़ हैं, एमएलसीज हैं, वो भी इनिशिएट हैं। वो जी चलिए, राजीव जी की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, पहिए को बढ़ाने के लिए जी। राजीव जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा नेटवर्क में आके उसके बाद हमसे बात करें, लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सौरभ जी, जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है ताकि छोटे व्यापारी जो हैं उन तक ये पैसा पहुँचे, वो निवेश कर सकें, और साथ ही साथ जो आम व्यक्ति के उसके हाथ में अगर पैसा होगा तो ही वो खर्च कर पाएगा, ये लिक्विडिटी कैसे आ सकती है मार्केट में? लिक्विडिटी तो जी सरकार अगर लिक्विडिटी देगी तो जरूर आएगी, लेकिन एमएसएमई के तहत छोटा दुकानदार कैसे अंदर आता है ये तो हमें आज तक समझ नहीं आया। एमएसएमई को सरकार हर तरह से, सरकार ने काफी नई स्कीम्स निकाली कोरोना के बाद, और काफी उस चीजों में सरकार ऐसा कहती है, दावा करती है कि उन्होंने बहुत सारी फंडिंग दी है, लेकिन अगर मैं एक ग्राउंड पे व्यापारी हूँ, मैं खुद व्यापारी हूँ, तो एक ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो मेरे क्षेत्र में या मेरे आसपास जितने भी हमारे व्यापारी दोस्त हैं या हमारी जितनी भी एसोसिएशन के साथ उठना बैठना है, वहां पर कोई भी ये नहीं कहता कि सरकार की तरफ से हमें कुछ भी किसी भी तरह की कोई हेल्प मिलने वाली है या हेल्प का कोई प्रावधान है या इस तरह की कोई स्कीम है जो एक छोटे दुकानदार को कुछ हेल्प दे सके। तो इस तरह की कोई भी मुहिम सरकार की तरफ से हमारे लिए तो नहीं हुई है। तो लिक्विडिटी क्रंच तब भी दूर हो सकता है जब सरकार हम छोटे दुकानदारों के लिए, ना कि उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति भी एमएसएमई के अंडर में शायद शामिल है लेकिन एक छोटा दुकानदार उसमें शामिल नहीं है, वो कैसे उसमें शामिल हो सकता है इस बात की जानकारी एक छोटे दुकानदार को तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही उसी तरह से मैं भी एक छोटा दुकानदार हूँ जिस तरह से, मुझे भी उस तरह की कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपकी तरफ से सौरभ जी कही गई है। मनीष जी, जिस तरीके से हम लगातार यही बात करें कि कैसे हम लोकल मार्केट को बिल्डअप कर सकते हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी लोकल के लिए वोकल बनने की बात कही गई थी, आप क्या समझते हैं कि ऐसे हमारे कौन से कदम होने चाहिए जिस वजह से इस लोकल मार्केट को एक बार फिर से खड़ा किया जा सके, छोटे कारोबारी और दुकानदारों को फायदा पहुँचाया जा सके? देखिए, बहुत सारे कदम हो सकते हैं अगर सरकार चाहे तो।
अगर सरकार चाहे तो जीएसटी का कलेक्शन छोटे व्यापारियों के लिए छमाई कर सकती है, जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल अगर 18% की जीएसटी और उसका सपोज एक साल में 6 महीने में 10 लाख का टर्नओवर, तो 1.25 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं और 1.25 लाख रुपए उसके बिजनेस को सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए काफी है। एक बार जीएसटी का कलेक्शन डेफर किया जा सकता है, उनको छोटे 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 लोन दिए जा सकते हैं, है ना, उनके लिए कोई ऐसी क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की जा सकती है जिसमें उनको क्रेडिट पीरियड 3 महीने का रहे, मामूली इंटरेस्ट रहे। लेकिन अब सोचिए सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाती है और ये इस तरह की स्कीमें ग्राउंड पर सक्सेसफुल क्यों नहीं होती। दरअसल हमारे देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कुछ इस तरीके का है जिसमें हम आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां और उसमें ज्यादातर सारी पार्टियां शामिल हैं, हम आमतौर पर कर्ज माफी की योजना देते हैं। जैसे ही एक पार्टी ने कर्ज माफी की योजना दी, दूसरी पार्टी दूसरे कर्ज माफी की योजना देती है। हम फ्री में नौकरी देने की बात करते हैं, फ्री में खाना पानी कम सस्ता चावल देने की बात करते हैं। हमें अपने जनता को भी अपने माइंडसेट तय करने होंगे कि मुझे मदद चाहिए, मुझे उधार चाहिए, मुझे फ्री में नहीं चाहिए। अगर मैं फ्री में नहीं लूंगा तो सरकार देने की मना कर ही नहीं सकती। सरकार को यह बात पता है कि अगर हम 6 महीने के लिए टैक्स डेफर कर देते हैं तो उन 6 महीने से आधे लोग तो जो है टैक्स आगे चुकाएंगे ही नहीं, वो भाग जाएंगे। अगर हम इस तरह की एक माइंडसेट अवेयरनेस बना लें कि मेरे को अगर सरकार कोई पैसा देगी मुझे किसी हालत में वापस करना ही है, चाहे टाइम लग जाए, सरकार पैसों का अंबार लगा देगी। लेकिन सरकार को डर है, एक साथ आप याद करिए एक पार्टी ने कहा 64,000 करोड़ का लोन माफ करेंगे, दूसरी कहती 80,000 करोड़ का लोन माफ करेंगे। अब इस तरह की जनता में अगर जब खबरें जाती हैं तो एक स्टेट में माफ हो गया या नहीं हुआ, दूसरे स्टेट वाले ने लोन चुकाना ही बंद कर दिया। वो पता है कि आज नहीं तो कल इलेक्शन होंगे तो एक पार्टी कहेगी हमें लोन माफ करेंगे। तो अगर लोन माफ होना ही है तो मैं लोन दूं क्यों? बस इस माइंड सेट को मैं जनता के मन से भी खुरचना होगा और राजनीति चलिए ये सारे कदम हो सकते हैं जिससे हम एक बार फिर से हमारे आसपास जो कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी मदद कर सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आप तीनों का ही जुड़ने के लिए। तो मुहिम हमारी यही है कि आसपास के जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, इस फेस्टिव सीजन में और आगे भी आप उनके पास भी जरूर सामान खरीदने के लिए पहुंचे। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग मत करिए, लेकिन थोड़ी कम करके अगर आप आसपास की दुकानों से सामान खरीदेंगे तो वो छोटे कारोबारी जो सांस में है कि उनका बिजनेस भी आगे बढ़ सके, उनके लिए ये एक बड़ी मदद हो सकती है। इस मुहिम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और हम यही गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ इसमें जुड़े। बात कुछ और खबरों की करते हैं। देश के आर्थिक हालात कितने खराब हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लिहाजा जनतंत्र टीवी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। इस दिवाली पर ऑनलाइन शॉपिंग की जगह पड़ोस के छोटे दुकानदारों से ही सामान खरीदें। जनतंत्र टीवी ने इसको लेकर पूरे देश में मुहिम शुरू की है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मुरादाबाद के लोग। बहुत टाइम हो गया बेच रहे हैं लॉकडाउन में, थोड़ा बहुत जब मोदी ने बोला था, मोदी जी ने तब भी कहे थे। अच्छा। और अब तो मद्दा पड़ा है कोई ऑनलाइन, कारण लगता है आपको? कारण यही है कि लोग बाग घर से कम निकल रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, दिवाली आ रही है, दीपावली आ रही है, तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब करें, मतलब ऑनलाइन का क्या मतलब, यहीं आके मतलब दीवे वगैरह लें और ऐसे ऑनलाइन करेंगे तो ये तो पट्टी हो जाएगा बिल्कुल मिट्टी का काम। पहले जो थोड़ा बहुत सही चल रहा था काम, अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा मद्दा हो गया भैया। अभी हम तो चाहते हैं दिवाली पर जो थोड़ा बहुत काम हमारा सही हो जाए। हाँ, ऑनलाइन तो ज़्यादा ही हो रही है इस टाइम, घर पा दुकानों पर आने नहीं चाह रहे ना लोग इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से। हम तो ये चाह रहे हैं कि लोग बार आए हमारी दुकान पर शॉपिंग करें। जब कोरोना का मार्च में शुरू हुआ है, कोरोना शुरू हुआ है कल 4 महीने तक तो बहुत बिजनेस का बहुत फर्क पड़ा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चला, वो सिर्फ ब्याह शादी को चला थोड़ा बहुत जो उनको है। अभी तक दिवाली का कोई ऐसा नहीं लग रहा कि दिवाली का त्यौहार बर्तन वगैरह जो है परचेजिंग वगैरह कस्टमर की ज़्यादा हो, बहुत आसार कम लग रहे हैं। बहुत प्रभाव पड़ा है कोरोना की बात पश्चात, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, तो इससे छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं।
और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन माल मंगवा लेते हैं, जबकि उनको नहीं मंगवाना चाहिए, हम लोग तो बहुत कम्पिटिटिव पर माल दे देते हैं। और उचित यही है आम जनता के लिए कि कम से कम जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास व्यापारी हैं उनको सस्टराइव हो सके, उनसे ही माल मंगवाना लेना चाहिए। इस समय देखी जा रही है लोग अभी घरों से नहीं निकल रहे हैं, आज भी लोग जो ऑनलाइन की ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि बाज़ारों में ऑनलाइन में हमें हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है, ये वो दुनिया भर का, और हम लोग टैक्स भी नहीं लेते उनसे उस चीज़ का कि घर भेजने का, और ये हर चीज़ का दुकानदार को फ़ायदा है, ग्राहक को फ़ायदा है, और उसके बाद भी बाज़ार में वो रौनक नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है इसे तुरंत बंद करना चाहिए लोगों को, और बाज़ार में आकर त्योहारी सीजन है, बाज़ार की भी रौनक बढ़ेगी और बाज़ार में आके खरीदारी करें, हमसे ऑनलाइन से हमारा माल सस्ता मिलेगा। फिरोजाबाद की जनता का इस मुहिम को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। साथ कम लग रहा है, जैसे लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है, लॉकडाउन से तो बहुत दिक्कत हुई है, व्यापार पे भी बहुत असर पड़ा है चीज का, तुम्हारा जो ये ऑनलाइन वगैरह जो चलता है इससे दिक्कत बनी है। हाँ तो हारी सीजन आ रहा है, तो उसकी हम लोगों को अपील करते हैं कि ऑनलाइन ना खरीदे, हमारे से खरीदे, इससे हमारे घर परिवार सब चले। ये कोरोना काल के टाइम जो परेशानी आई है उससे के व्यापारियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, कि अब अपील करी जाती है हर व्यक्ति से कि जो खरीदारी है वो खरीदारी सिर्फ दुकानों से करें, ना के ऑनलाइन करके। छोटे व्यापारी को ये होता है कि नुकसान होता है कि बिल्कुल किसी भी कीमत पे ऑनलाइन जब होता है तो कस्टमर नहीं आ पाता मार्केट में, और जब मार्केट में कस्टमर नहीं आएगा तो व्यापारी बिल्कुल ठप बैठ जाएगा। ये मैं हर कस्टमर से मांग करता हूँ कि ऑनलाइन बिल्कुल खरीदारी मत करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.